नंबर ही समय फोन कौन ले रहे है? अच्छा फोन कौन ले रहे है? नंबर है तो नंबर भी तो फोन में का लगा ना, वो तो नंबर दे देंगे, नंबर दे देगा तो फोन आपके पास में होगा तो वो दो तीन बल्ले आइए टाबर तोड़ दे पट पट करके ना। अच्छा पट पट करके टाबर तोड़ दे। अच्छा ये भी आ रही है, ये दो रह रही है, तो ये इसकी बाण है यार सागी। अच्छा जी ये जोटे की नस्ल बदलगी। अच्छा जोटे की नस्ल बदलगी। देख इससे की बाण से देखे शरीर इसका चामड़ा तो, पैर भी चामड़े तो बिल्कुल ब्लैक कलर है। उसके तो पैर भी चामड़े हैं देख। उसके तो पैर भी चामड़े हैं। या तो नस्ल बदलेगी। नमस्कार पशुपालक साथियों, स्वागत है जी आपके अपने यूट्यूब चैनल जय सिंह यादव डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो लेकर के आ रहे हैं जी अपने ही गाँव सुई जिला भिवानी हरियाणा से और आम पशुपालक के घर से वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये देखिए जी बहुत ही शानदार जो पशुधन है खेतों में जो इन पशुधन को चरा करके तैयार कर रहे हैं और इनको क्या खिलाने में दे रहे हैं पूरी जानकारी यहाँ से लेंगे जी। जितने भी पशुपालक भाई पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। तो पूरी जानकारी अंकल जी से लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ ठीक। तो गांव अपना सुई हो गया, जिला भिवानी हरियाणा हो गया जी। तो सबसे पहले अपना जो ये पशुधन है ये बताएं जी कौन से ब्यात में ये ब्याएगा? यही चौथा हिसाब में ब्याह होगी। अच्छा चौथे ब्याह होगी। हाँ। अच्छा घर की पाली पाली हुई है अपनी। अच्छा घर की पाली हुई है। हाँ। चौथे ब्यात में इसने बच्चे को जन्म देना है जी। और शरीर पे जस्ता हुआ बिल्कुल रिंग सिंग आप देख पा रहे हैं और जो बिल्कुल जेड ब्लैक टेल है, कुछ ही बाल सफेद होंगे दो चार बाल कुछ नीचे नीचे जी जी। और इसकी माँ के भी बात करूं तो ये देखे जी वो कहते हैं सिंगल हड्डी, ये देखे जी बिल्कुल सिंगल इसकी माँ भी और इसकी बाण के भी बिंदु है वो कहते हैं भाई ये देखे बिंदु और बिल्कुल टाइट अडर और मोटी अथन लेंथ काफी अच्छी है। चौथे ब्यात में इसने बच्चे को जन्म देना है। हाँ। थोड़ा चलाइए अंकल जी उधर घुमाओ एक बार को, इसका पूरा अडर है समझता है वो इसकी दिख जाए। अरे ये देखे जी गर्दन की लंबाई काफी अच्छी और बिल्कुल साफ सुथरा पशुधन है और अडर है। ये देखे जी कल्ला कल्ला थन है, बहुत ही अच्छा जो पशुधन। और थोड़ा आगे ले अंकल जी इसको जो साइड रोक ले साइड से जो नशे हैं अडर पे वो और दिखा देता हूँ। थोड़ा और ले अंकल जी, थोड़ा आगे और ले थनों का गैप है वो भी आप भाइयों को दिखा देता हूँ। और ये देखे जी मोटी मोटी वेंस आप देख पा रहे हैं। ले आए अंकल जी, ले आए इधर ले आए, ले वहीं बांध दो जी। बहुत ही अच्छी हाइट लंबाई का जो पशुधन है अंकल जी ने तैयार किया है और बिल्कुल सीधे पैर और बहुत ही खूबसूरत जो अडर है इस पशुधन का देखने को मिलेगा जी। तो कितना टाइम है अंकल जी इसका बच्चा देने का? इसका मैं 5 दिन काट देगी, 6 दिन काट देगी। अच्छा 5-6 दिन अभी हाँ बाकी है, बाकी है। हाँ। और बाकी ऊपर देखो भी 2 दिन ले 4 दिन ऊपर ले ले। हाँ, हाँ, हाँ। भाई बेरा है कम हाँ, भी ले ले। हाँ पशुधन है भाई 5 दिन ले ले, वैसे टाइम तो बाकी है और 5 दिन ले 7 दिन ले ले, अभी तो कोई ढीलापन नजर नहीं आ रहा। अगर ये पशुधन 10 दिन अगर ले लेगा तो बहुत जबरदस्त है तैयार होकर के आएगा। मूठिया दोरिया थन है जी। हाँ। अलग अलग दूरी दूरी पे जी जी। और ये होता जी ओरिजिन मुर्रा का सींग, न तो इसका सींग बाहर से बनवाया गया है नहीं नहीं और न अंदर से बनवाया गया है। जो इस सींग में जो गड्ढे हैं वो आप देख पा रहे हैं, ये देखे जी बिल्कुल ओरिजिनल सींग है। और चेहरा जी देखे बहुत ही खूबसूरत चेहरा, लंबाई गर्दन की बहुत ही बढ़िया जी। तो अंकल जी अब आ जाती है जी वो कहते हैं ना अपना सच्चाई वाली बात के ऊपर, तो ये भी इसका दूध बताओ तीसरे ब्यात में किसने दिया है? तीसरे ब्यात में अपना दिया भाई 15 किलो दूध, 15 किलो दूध दिया, 15-16 किलो दूध दिया। अच्छा अच्छा 15-16 ये नहीं भी 18 दिया? ना ना आप दूध नहीं बोला, अपन चरावा भी नॉर्मल है। चरावा भी अपना नॉर्मल? हां नु कोनी भाई मैं 7 किलो 6 किलो का चाट गेलो ना। अच्छा अच्छा अब तो 4 किलो चाट गिरते हैं और हरिया गिरा, हरिया ज्यादा जंगल में भी चर के आओ, जंगल में भी चरिया हुआ है। हां 4 या 5 4-5 किलो चाट ये 15-16 किलो दूध इसने। हाँ, हाँ, तो चाट बता रही है दोनों टाइम की एक टाइम? दोनों टाइम की। अच्छा इसमें देव के हुआ और गड़ियार खड़े
केवल घी वाला दलिया, गेहूं का दलिया और बिंदोली के खड़े। हाँ बस, और ये अपना सस्ती भी पड़ जाए। हाँ ये गेरा ये पड़े जी, मारा दूध दिया ले जाए, उससे पूछ लिए तो आम का दे और की मैडम आपको नहीं गिरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये देखे भाई, आम पशुपालक के घर से जो पशुधन खरीदते हैं इसमें ये बेनिफिट होता है, ओरिजिनल पशुधन मिलता है जी। कई जगह ठूका ठाका पशुधन मिलता है और कई का तन भी तैयार दूध गाय ले, भाई तैयार दूध का अपना शौक के ऊपर लेते हैं, दूध की कीमत भी उसी अनुसार लगती है, और जो एक एक नशे हैं इसके से जो शरीर पे उभरती आप देख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा जो पशुधन है भाई अंकल जी के पास में देखने को मिला। तो अंकल जी आगे आ जाएं, ये देखिए जी जो अड्र है काफ़ी अच्छा, जो बिल्कुल टाइट अड्र का जो पशुधन, ये देखिए ठुका ठकाया अड्र है काफ़ी अच्छा। तो अपना मोबाइल नंबर और बताओ अंकल जी। मोबाइल नंबर तो उसमें ले रहा है, वो मेरे बटुओं में है, बटुओं में याद भी को नहीं, ना याद को नहीं नंबर है समय, फोन कौन ले रहे है? अच्छा फोन कौन ले रहे, नंबर है तो नंबर भी तो फोन में ही लगा ना, वो तो नंबर दे देंगे, नंबर दे देगा तो फोन आपके पास में होगा तो वो फिर वो उस पर है ना थोड़ी ये पे अच्छा, उसका नंबर अच्छा भाई के पास में है, सौ रुपए है। अच्छा अच्छा नंबर सौ रुपए, अंकल जी देखो फोन भी नहीं रखते ना आप, फोन कौन अच्छा तो नंबर, तो फोन क्या तो बोल रहा है, खेत खात में खुजा जाता है ये दो तीन बल्ले आई, ये टाबर तोड़ दे पट पट करके ना, अच्छा पट पट करके टाबर तोड़ दे आंधी मजे पसे लंदा है। अच्छा अच्छा तो ले अभी नंबर और बता नंबर दे, ले दे तेरे साथ से का अंकल जी ने पर्ची में लिख रहा क्या है। हां दिए ले भाई ले जल्दी ले, वो 300 रुपया का कलिए का। अच्छा अंकल जी एक बात और बताओ, अपने कटड़ी तैयार करो इनने की, आप अमोल को ले ले। अच्छा मोल को ले ले, सारी मैच की, सारी इनने की रह की मैच, एक ही एक इसकी वाणी बची है इस मैच की। अच्छा पर पिछले साल एक जोटी पिछले साल बेची इसकी। अच्छा अच्छा, और एक इसकी जोटी उस उसकी बाण पिछले साल, इससे की इसकी बाण, इसकी बाण। अच्छा, अच्छा तो ये पांच काटड़ी थी, एक मास दी है उस तो पिछले साल। अच्छा अच्छा, उसकी पांच काटड़ी थी। अच्छा, उसकी एक यादे या खरपाड़ी सी रही ये फुले सिंह की या रही। अच्छा अच्छा, ये भी आ रही ये दो रही है, तो ये इसकी बाण है यार सागी। अच्छा जी, ये जोटे की नस्ल बदल गई। अच्छा जोटे की नस्ल बदल गई, ये तो सिमन बढ़िया सिमन लिया करो, आजकल चल रहा है ना कोई गांव में को नहीं आ रहा जोटा, तो इसकी नस्ल बदल गई तो चवाई में बढ़िया है। हां दूसरे की थी वो जोटी दी है 18 की। अच्छा अच्छा, अगले खीस में ले गए धार मार के ब्याई कौन थी। अच्छा अच्छा, एक जोटी और थी वहां से 126 की गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपने घर की बैरी है क्या, या बैरी है, कितने दिन की ब्याई हो रही है, या होगी आज 18 दिन की, 18 दिन की, 18 दिन की होगी, 17 दिन की, 17-18 दिन की होगी। अच्छा अच्छा, दूध दाद कितना बना रही है, दूध साइज का 9-10 किलो, 9-10 किलो, 9 किलो ला लो तुम। अच्छा अच्छा, क्या नस्ल बदलेगी, या मटी कदरा के लिया था। अच्छा, और फिर गांव में अंडनिया जोटा है ना। अच्छा, इस तो होगी। अच्छा इसकी माँ। अच्छा अच्छा, फिर मशीन उस पर सारी शरीर भी चामरा इसका। अच्छा, और देख इससे की बाण से। अच्छा, देख शरीर इसका चामरा, पैर भी चामरे, बिल्कुल ब्लैक कलर है, और उसके तो पैर भी चामरे हैं देख, और उसके तो पैर भी चामरे हैं। या तो नस्ल बदली, इसकी माँ थी नहीं, इसकी माँ इसी वर्गी थी। अच्छा अच्छा, हाँ इसी वर्गी थी। तो भाई जितने भी पशुपालक भाई वीडियो देख पा रहे हैं, तो अच्छे सीमन का उपयोग कर लो, और बुल देखो, उसकी माँ देखो, उसकी बहन देखो, उपयोग कर लिया करो भाई। तो अंकल जी अब आ जाती है जी रेट के ऊपर बात, तो रेट इसका वो बताओ, जितने का अपन देना हो न तो कम करना न ज्यादा करना, आपका पशुधन भी सेल हो जा और लेने वाई ना मैच मिल जा जी। देखो जी मोल तो कराओ तो 40,000, 1,40,000, 1,40,000, देने वाला वो बताओ 5,000 ऊपर तला और के। अच्छा अच्छा, झूठ बोलना क्या होगी को नहीं जी। हाँ तो और दिखा दो ले ले दौड़िया। अच्छा दौड़िए का नंबर ले भैया, पर्ची और दिखा दे ऊपर कई नंबर है जी, 86071501। दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी, 86071501 ये कांटेक्ट नंबर है जी, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं जी। और कल मिलेगी जी जो संजय चौटाला भाई है, जो धर्मा जोटी के मालिक है, वहां से वीडियो लेकर के आएंगे जी। और काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे भी दूध नहीं दिखाया उस जोटी का, तो उसके ऊपर वीडियो है, वो कल लेके आएंगे, तो विजिट सभी भाई करें। तो आज की वीडियो आप भाइयों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार जी।